पहले आज खुले आम बयान देके कह रही है कि प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ देने के लिए वो तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि 23 मई को क्या परिणाम आने वाले हैं। लेकिन साथियों, इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बीच इस चुनाव को लोकतंत्र और संविधान के प्रति दीदी के रवैये की वजह से भी याद किया जाएगा। चुनाव के दौरान ही यहां बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हमारे उम्मीदवारों पर अटैक हुए, घर जला दिए गए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन दीदी लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का खतरा दिन रात रहता है, लेकिन वहां भी पहले पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव हिंसा के बिना ही खत्म हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई चरण नहीं था, 6 चरण हुए, 6 के 6 चरण। ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां हिंसा ना हुई हो। ये दीदी के अहंकार का ही परिणाम है। साथियों, ममता दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है। दीदी, आज आप चुनाव आयोग को गालियां दे रही है, चुनाव प्रक्रिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को आप जम करके गालियां दे रही हो। आप क्यों भूल रही हैं कि लेफ्ट ने भी आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियां पैदा की थी, और उस समय देश की संवैधानिक संस्थाओं ने ही बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराया था। अगर ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं होती, केंद्रीय बल बंगाल में उतरे न होते, तो आज आप बंगाल की मुख्यमंत्री भी नहीं होती। ममता दीदी देश के लोकतंत्र की मर्यादा आपके अहंकार से कहीं ज्यादा ऊंची है। हम पर, आप पर, इस देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि पर लोकतंत्र की रक्षा करने का भी दायित्व है।
आपकी सत्ता जा रही है, आपकी जमीन खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है, आपको भी इसका पूरा पता है। दीदी, इस सच को जरा स्वीकार कर लीजिए, हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। आप दिन को रात कहने वाले और दिन को रात कहने लगेगी तो सच्चाई कभी भी बदल नहीं जाएगी। साथियों, दीदी को लगता था वो सुप्रीम पावर है, लेकिन बंगाल के जनगण ने बता दिया है कि सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बंगाल की जनता है।